अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3, और ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, इसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। रफ फिगर ड्रॉ करते हुए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाना है, एक ABC और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको इंट्रो दे रखा है कि कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो A और C जो है उन्होंने दे रखी है एक साइड, और दूसरी साइड हमें ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ट्रायंगल आपका बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर ये, ठीक है? और यहाँ पर हम इसको A मान लेते हैं, AB और सी मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये भी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सी और बी जो है 6 सेंटीमीटर लेना है, और एक्सटेंड करूँगी लाइन जैसे अभी हमने पिछले दो क्वेश्चंस में बनाई है फिगर, वैसे ही अभी भी बनाना है हमको 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहाँ पर बना लिया लाइन 6 सेंटीमीटर का, और इसको डॉट डाल के सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद मुझे दूसरी साइड एक्सटेंड करनी है लाइन, डॉटेड लाइन, तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, और अब हम इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखो, पहले की तरह कंपास बंद है, इसको एक ही बार खोलना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, और इसी ओपन कंपास के साथ मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो, ओपन कंपास लिया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया मैंने, ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है? इसके बाद आप देखो, यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट हो रही है, इस पॉइंट से कंपास बंद नहीं करना, यहाँ पर कट लगा दूंगी। कंपास बंद नहीं करना, इस पॉइंट से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ कट लगाना है मुझे, ठीक है? कंपास बंद नहीं करना, इस पॉइंट से, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ कट लगाना है मुझे। कंपास बंद नहीं करना, अगेन यहाँ से, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ लगाना है, और अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा इन दोनों का, वो मेरा 90 डिग्री का बना देगा। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने। देखो, यहाँ से आपको डॉट लगाना है, यहाँ से आपको बनाना है, यहाँ से आपको बनाना है, और यहाँ से आपको बनाना है, ठीक? और यहाँ पर जो है मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट लगाना है, तो 6 सेंटीमीटर, ये मेरी ऑलरेडी लाइन 6 सेंटीमीटर है, देखो सी और बी 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसी के ही जितनी कंपास ओपन कर लेती हूँ। देखो, मैंने इतना ही कंपास ओपन कर लिया, ठीक है? और इसी को ही यहाँ कट लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ लगा लो, यहाँ से नहीं लगेगा, देखो 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से कहीं भी कट नहीं लगना मेरा, यहाँ आके लगेगा। तो मैंने यहाँ से, कोई दो साइड्स हमें इक्वल चाहिए थी, तो मैंने ये वाली साइड ले ली 6 सेंटीमीटर की। तो अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का डॉट लगा लेती हूँ और इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है? ये मेरी 6 सेंटीमीटर आ गई, ये मेरा ए बन गया, ये मेरा बी और ये मेरा सी। यहाँ पर क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 5, 10.5 और एक्सरसाइज 10.5 के साथ ही चैप्टर 10 जो है दोनों फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.5 प्लस चैप्टर 10 फिनिश होता है। फ्रॉम योर टीचर द्वेंदर कौर।